नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की फोटो और वीडियो वायरल, मच गया हड़कंप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वर्ग का काम 3 दिन की कवायद के बाद पूरा हो गया है। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि नदी के मुख के सामने मस्जिद का वाजू खाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने शिवलिंग वाले एरिया के सील करने के साथ ही CRPF तैनात कर दी है। वही वाजू खाने से सील होने के बाद मस्जिद पक्ष ने दावा किया है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वह एक फवारा है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने भी इसकी फोटो भी वायरल कर दी है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद की तरफ से वायरल फोटो की ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अजुमन इतियामिना कमेटी के आयुक्त सचिव SM यानी के पुष्टि की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फुआरा लगाया जाने की परंपरा रही है। उसी की एक पत्थर आस्वर से मिला है जिससे शिवलिंग बताया जा रहा है। दरअसल हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने अहम संशयों की संरक्षित और सुरक्षित करने की याचिका दी थी। यही याचिका के बाद वाराणसी कोर्ट के सचिव जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर वाजू खाने वाली जगह को सील किया गया है। सील करने की कार्रवाई के दौरान SDM प्रोटोकॉल मौके पर मौजूद रहे। वही वाजू खाने के पास ही CRPF की तैनात कर दी गई है जो कि अब 24 घंटे निगरानी करेगी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की मुस्लिम पक्ष के दावे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है बल्कि मस्जिद कमेटी ने बताया है कि वह मस्जिद का फवारा है और मस्जिद में ये होता है। अगर ये शिवलिंग था तो कोर्ट के कमिश्नर को कहना चाहिए था। कोर्ट का सील करने वाले आदेश 1951 एक्ट के खिलाफ है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर ओवैसी ने कहा कि हमें बाबरी मस्जिद को खोया है लेकिन अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। इसके साथ ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर बोलना जारी रखेंगे क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।